न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत ग्रेफिटी अभियान चलाकर जिला सचिवालय व सेक्टर 1 के पार्क की दीवार पर ग्रेफिटी कार्य करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रेरक स्लोगन भी लिखे गए हैं। इसे लेकर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में हर मतदाता महत्वपूर्ण है और मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जिला में विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें ग्रेफिटी यानी दीवारों पर चित्रकला करके उन्हें सजाना तथा साथ में संदेश भी देना एक तरीका है। इसी प्रकार की ग्रेफिटी 4 दीवारों पर शुरू की गई है। सरकारी भवनों की लंबी और बड़ी दीवारों पर ग्रेफिटी करके दीवारों को सजाने के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए पब्लिसिटी वैन भी चलाई गई है। इस वैन के चारों ओर वोट बनवाने संबंधी जानकारी दी गई है। वहीं नुक्कड़ नाटक, वीडियो वैन और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व ट्विटर पर फोटो वीडियो शेयर करके तथा जिला सचिवालय के बाहर व हेल्प डेस्क पर LED स्क्रीन के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। चली है, उसके रिजल्ट भी आए हैं। अभी हमारे इलेक्ट्रल रोल्स के बाद करीबन 18,000 वोटर्स हमारे नए बन गए हैं और जो हमारे 18 से 19 वर्ष की आयु के वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट का अधिकार जिनको मिलने जा रहा है, वह भी हमारे 11,000 से ऊपर हो गए हैं। और हमारी जो EP रेशो है वह बहुत ही अच्छी है, 650 से भी ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हमने अभी वॉल्स पे पेंटिंग कराना शुरू किया है, हमें LED लगाई है और FM पे भी हम समाचार दे रहे हैं। और ज़िले के अंदर मुझे आशा है कि बहुत ही वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल तक जिसका भी जो एलिजिबल वोटर है वह अपने वोट के लिए अप्लाई करे, उसका वोट नया बन जाएगा। और जिनके भी वोट बन गए हैं वह सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। 12 मई को छुट्टी नहीं, उत्सव का दिन मनाएं, उत्सव के तौर पे मनाएं और वोट डालने अवश्य जाएं ताकि प्रजातंत्र मजबूत।